वाला देखा ना तुम, मतलब भीड़ कितनी हो रही है तो। जय श्री श्याम सारे भाइयों को, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम खाटू श्याम की पैदल यात्रा कर रहे हैं अमरोहा से खाटू श्याम, जिसकी कुल दूरी 400 किलोमीटर होने वाली है। और अभी हमने बैग पैक तो सब पैक कर लिए हैं, अभी थोड़ी देर में हम जा रहे हैं गंगा जी नहाने, उसके बाद गंगा जी नहा के निकलेंगे। अभी सतेंद्र गया है बाइक लेने, उसके बाद दिखाते हैं तुम्हें। सतेंद्र आ गया बाइक लेके, अभी जा रहे हैं हम गंगा जी नहाने। ये सतेंद्र, चलो भाई। तो भाई हम जाने गंगा स्नान करने, क्योंकि भाई कोई भी यात्रा करने से पहले ना गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गाँव के पास में ही है। तो हम सारे भाई, तीनों भाई जा रहे हैं पहले गंगा स्नान करने, उसके बाद सारे मंदिर पर जल बल चढ़ा के फिर तैयार होकर फिर घर वाले देंगे हमें विदाई, उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी गंगा जी पे, स्नान करते हैं थोड़ी देर में और निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हमने कर लिया गंगा स्नान, और भाई अब हम जा रहे हैं घर, मंदिर वगैरह पे जल चढ़ाना, उसके बाद पूजा वूजा करेंगे, थोड़ी बहुत फिर निकलेंगे खाटू। अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर पर, ये शिव मंदिर, अभी यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइस सारा कुछ तैयार है, प्लेट वलेट बैग वैग पैक सब हो गए हैं, तो बस थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं और यही हमारी यात्रा होने वाली है। अब देख लो खाटू श्याम पैदल यात्रा अमरोहा से खाटू, कुल दूरी 400 किलोमीटर, और हमने आज का दिन फिक्स किया था, वो भी आज जा रहे हैं हम। और भाई ये चैनल और स्टाफ का नाम, बस थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं, उसके बाद दिखा दें। तो फाइनली गाइस अभी निकलते हैं थोड़ी बहुत देर में, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं बस यहाँ से। ये यशपाल और इधर हमारे लाला भाई, अब थोड़ी बहुत देर में बस निकल रहे हैं सारे लोग। गाइस हम फिर से आ चुके हैं मंदिर पे, और यहाँ पे माथा वाथा टेकते हैं और निकलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस अब आ चुके हम नीचे मंदिर से, मतलब अब देखो भीड़ वाला देखा ना तुम, मतलब भीड़ कितनी हो रही है यहाँ पे। ये हैं सब सारे भाई, और मेरे मम्मी पापा सब सब लोग हैं यहाँ पे, ये यहीं से वापस जा रहे हैं सब। तो जय श्री श्याम सारे भाइयों को। भाई अब हम निकल चुके हैं, मतलब गाँव के बाहर आ गए हैं सब, और बाकी लोग सब निकल गए पीछे, हमें छोड़ करके दिखाई दे गए। और अब ब्लॉग में ना हम चार ही लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे, मैं, विकास और सतेंद्र और सुरेंद्र, ये जगत अभी तक भी हमारे साथ है भाई। भाई ये है जगत, अभी तक 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं आगे, और ये अभी तक भी हमारे साथ है, और ये जा रहा भाई अब। ठीक है भाई, सब मिले बाय। तो अब हम निकल चुके हैं भाई, तो अब हम चार ही लोग तुम्हें ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम चारों ही भाई इस यात्रा पर निकले हैं, और दिखाते हैं आगे तुम्हें। तो फाइनली गाइस हमने ना अब तक 10 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं, नेशनल हाईवे पे। ये दिखाता हूँ अभी तुम्हें, हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं, अब थोड़ी देर में हम बिरज घाट पहुंचने वाले हैं, और दिखाते हैं अभी तुम्हें सीधा बिरज घाट। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बिरज घाट, देख सकते हो ये ब्रज घाटा पुल है, ये यहाँ पे गंगा जी अपनी गंगा जी बह रही हैं, और ये जा रहा विकास, और आगे सुरेंद्र, और आगे जा रहा सतेंद्र। सतेंद्र हमसे बहुत आगे जा चुका, हम वो फ़ोन में कुछ करने लग गए थे इसलिए हम पीछे हो गए। चल रहे हैं भाई खाटू वाले के नाम पे, देखते हैं आगे दिखा दें तुम्हें। तो फाइनली गाइस भाई हम हैं अभी ब्रज घाट में नीचे, जहाँ पे दुकानें वुकानें हैं, वो ना सुरेंद्र के पास ना झंडी नहीं थी, इसके लिए झंडी लेनी है, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हम आ गए हैं टूल टैक्स पर, जो कि बरिज घाट से आगे पड़ता है टूल टैक्स, अभी दिखाता हूँ तुम्हें बैक कैमरे से, ये चेक करो। हम आ चुके हैं टूल टैक्स पर, अभी तो चल रहे हैं भाई। भाई एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, दिखाता हूँ लोगों को, दिल्ली मतलब अभी यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो भाई हम ना घर से ना 15-16 किलोमीटर चल रहे हैं, और भाई अभी से हमारी ना टांगों में दर्द होने लगा, तो भाई हमने आप तो भाई टांगों में दर्द होने लगा है, तो
भाई पहुंच जाएंगे, आज तो पहला ही दिन है वो तो हमारा। एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, ये देखो भाई, ये सारा कुछ खाने के लिए मिला हमें, और ये इधर अंकल हैं ये अपने, इन्होंने दिया सारा कुछ खाने के लिए। ये चिप्स वगैरह, केले, अनार बनार, और पार्ले जी भी हैं वो बैग में रखे हैं। बहुत अच्छे अंकल थे यार ये, पानी वानी पिलाया, भूख लग रही थी काफ़ी, और भूख भी लग रही थी और थकावट भी महसूस हो रही थी। अब ये खाएंगे बैठ के। तो फाइनली गाइस शाम के ना 6:40 हो रहे हैं, और हम ना भी ये दिखाता हूँ तुम्हें हम कहाँ पे हैं। कटमुक्तेश्वर 2 किलोमीटर यहाँ से। अभी टांगों में ना अभी से पेन हो रहा बहुत ज़्यादा, अभी हम पीछे रुके थे, अब फिर दोबारा चल पड़े हैं यहाँ से। अब हमें और 2-4 किलोमीटर और चलना है, फिर उसके बाद आराम करेंगे, फिर सुबह निकलेंगे। फाइनली गाइस देख सकते हैं शाम हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और अभी तक हम चल ही रहे हैं, रुके नहीं है बिल्कुल भी अभी। और अभी देखते हैं आगे कहाँ रुकने की जगह वगैरह मिलती है, दिखाएंगे सब कुछ आपको। और भाई पहली बार ब्लॉग करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा। फाइनली अभी ना हम मतलब सिम्भावली से थोड़े से पीछे हैं, अभी थोड़ी बहुत देर में हम सिम्भावली पहुँच जाएंगे और वहीं पर रुकेंगे। अभी ना टाइम भी 7:15 हो चुकी हैं, और अभी भी हम चल ही रहे हैं। तो अभी सिम्भावली दिखाते हैं तुम्हें कहाँ पर रुकेंगे, और हम वहीं पर खाना वाना जो भी है सारा कुछ दिखाएंगे आप लोगों को के साथ। तो भाई अभी ना हम जैसे ही रास्ते से जा रहे थे, कुछ भाई हमें मिले, उन्होंने पानी की बोतल और बिस्कुट दिए खाने के लिए। भाई वो भी बाबा जी के भक्त थे, इसलिए उन्होंने हमें रोका था, और भाई बहुत अच्छे बंदे थे वो, पानी की बोतल और बिस्कुट वगैरह। भाई बहुत हेल्प मिल रही है यार लोगों की। तो जय श्री श्याम सारे भाइयों को। तो जैसा कि तुम्हें पता है हम खाटू श्याम की पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो भाई नाइट के 9:30 बज चुके हैं, और नाइट में जो ना अब हम यहीं पर रुकने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। एक भैया हैं हमारे गांव से रिलेशन में, तो इन्हीं के यहीं हम रात बिताएंगे, और फिर सुबह ही ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो भाई कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जय श्री श्री हम सारे भाइयों को।